मालेगांव की आवाम को रमज़ान की और ईद उल फितर की बहुत बहुत बधाइयाँ। पर जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारा देश आज एक बड़े मुश्किल वक्त से गुजर रहा है। इसके मद्देनज़र केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ने ही लॉकडाउन 4 का जो आदेश निकाला है, उसमें किसी भी तरह के धार्मिक स्थल पे जाने की पाबंदी है। इसलिए मैं मालेगांव की आवाम को पुलिस विभाग की तरफ से जो केंद्र शासन और राज्य शासन का आदेश आया है उसको पूरी तरह से निभाने के लिए हमारा साथ दें, ये मैं आपके माध्यम से आह्वान करना चाहती हूँ। हमारी खाकी का कोई धर्म नहीं होता, सारे धर्म हमारे लिए एक हैं। और इस आदेश जो शासन, केंद्र शासन और राज्य शासन ने निकाला है, उसमें भी क्लियरली किसी भी धर्म को एक्सक्यूज़ या एक्सेप्शन न करते हुए हर धर्म के लिए बहुत साफ तरीके से जो उसमें लिखा है या बोला गया है वो यही है कि कोई भी किसी भी तरह का त्यौहार मनाने के लिए बाहर ना निकले। ये हमारा सबसे बड़ा त्यौहार है, लेकिन प्लीज़ इसका घर में रह के ही मनाएं। आपकी सुरक्षा के लिए हमने यहाँ पे पुलिस फोर्स पूरे 24 घंटे के लिए तैनात की है। हमारे मालेगांव की पुलिस के अलावा जिले से मैंने बहुत बड़ा पुलिस फोर्स यहाँ पे तैनात किया है। इसके अलावा हमारे पास राज्य राष्ट्रीय सुरक्षा बल और केंद्र शासन की तरफ से रैपिड एक्शन फोर्स RAF की भी एक पूरी कंपनी यहाँ आई हुई है। ये सब आपकी सुरक्षा की जवाबदारी हमारे हाथ